First of all, I thank you all for being here. थोड़ा सा ज़रा time ज़्यादा लगा. आज जो यहाँ function थी, it was about facilitation. जो अभी हमारे candidates इस DDC election में उठे थे, जम्मू खिते में 91 candidates उठे थे. इसके बिना जो पार्टी चुनाव निशान पे लड़े, वो बाकी इंडिपेंडेंट्स सपोर्टेड जिनको हमने सपोर्ट किया था. चूंकि हमारी पार्टी, जैसा आप सब जानते हैं, 9 महीने पहले ही गठन हुआ था और कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं हुआ था. बहरहाल फिर भी चूंकि डेमोक्रेसी, इलेक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो पंचायत के इलेक्शन से ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ताल्लुक रखता था, हमारी पार्टी ने ये ज़रूरी समझा कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए. और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने एक नई पार्टी को 5.5% ओवरऑल वोट दिया, जो हमारे लिए काफ़ी एनकरेजिंग है. और हमने एक उस स्लोगन के साथ हम लोग की पार्टी जा रही है. इसमें कोई इमोशनल नारा नहीं हम दे रहे हैं, क्यों यहाँ 72 साल में खाली इमोशनल नारे दिए गए हैं, चाहे उस खित्ते में हो या इस खित्ते में हो. हमारी पार्टी तो बिल्कुल वो सियासत करती है जिसे कहते हैं अचीवेबल मुद्दों को उठाती है, और सच की सियासत जिसे कहते हैं. और मुझे आप सब के साथ शेयर करने में ये बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वी कुड विदस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ ऑल दैट इमोशनल पॉलिटिक्स विच हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 72 ईयर्स. हम एक नई रिवायत के साथ निकल पड़े हैं, एक नए सोच के साथ निकल पड़े हैं. और जिस तरह लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि टुमारो विल बिलोंग टू अपनी पार्टी. जो लोग आज आपने हमारे साथ देखे, ये कल के नए लीडर हैं, क्योंकि इनमें से कोई ट्रेडिशनल सियासतदान नहीं था. 90% ऑफ देम वेर न्यू कमर्स, जिसे कहते हैं ना नई सियासत. और वो नई सियासत क्या है, वो ये है कि आप वो मुद्दे उठाओ जो डेवलपमेंट के हैं, जो लोगों के भलाई के हैं, जिसमें कोई डिवीजन ऑफ सोसाइटी नहीं है, जिसमें डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज़ नहीं है, जिसमें डिवीजन ऑफ रीजन्स नहीं है. क्यों आज जम्मू और कश्मीर के मुद्दे सांझे हैं. अगर हम स्टेटहुड की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स के लोग चाहते हैं. अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और लैंड की बात करते हैं तो वो दोनों रीजन्स की मुतालबात हैं. अगर हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की हैं. दोनों रीजन्स में फुकदान है इन चीज़ों का. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की बात करते हैं. ये नहीं है कि साहब कुछ जम्मू में बहुत कुछ हुआ है कि यहाँ दूध की नहरें बह रही है और शायद कश्मीर में बिल्कुल कुछ नहीं. तो दोनों जगह अगर डेवलपमेंट नहीं है तो दोनों जगह नहीं हो रही है. तो इन्हीं सब बातों पे हम आज यहाँ जो आपस में विचार कर रहे थे, हम आपके साथ भी और आपके माध्यम से भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं उस वादे का जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से हमारे साथ किया हुआ है. इस रियासत की पहचान वापस देने को, हमारी स्टेटहुड, जो वादा उन्होंने हमारे साथ किया है जब हम लोग अपनी पार्टी के गठन के बाद गए, विच इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड थिंग. अ पार्टी फॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर गोज एंड कॉल्स ऑन द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री विच इज़ अदरवाइज एन एंथिमा इन जम्मू एंड कश्मीर. दिस यूज टू बी एन एंथिमा. हमने रिवायत को तोड़ दिया. हमने कहा नहीं, हमारा मसला है, हमारा हमें खो गया है. जिसका खो गया है वो ढूंढता है. हमारी पहचान खो गई है, हम इसलिए दिल्ली गए. हमारे डिट्रैक्टर्स ने हमें मुख्तलिफ नामों से इस वजह से बुलाया, लेकिन हम गए क्यों? हमारा खो गया. आप में से किसी की चीज़ खोएगी तो आप ढूंढेंगे ना, कि किसी और को कहेंगे कि ढूंढने जाओ, और उसके पास ही जाएंगे ना जो दे सकता है उस चीज़ को.
इसलिए हम हिंदुस्तान के वजीर अजम के पास गए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के पास गए कि साहब हमारी पहचान वापस दीजिए, हमारी रियासत को वापस करिए, हमारे बच्चों की जॉब्स का प्रोटेक्शन करिए, हमारे लैंड का प्रोटेक्शन करिए, हमारे कल्चर का प्रोटेक्शन करिए। हमने बात उठाई डेमोग्राफी की, हमारी डेमोग्राफी के लोगों के दिलों में शुबात थे, वज़ीर आज़म ने हमें एश्योरेंस दे दी। हमने बात 17 पॉइंट्स पे की, तो लेकिन जो कोर एजेंडा है, कोर एजेंडा तो स्टेटहुड की है। अब जब वापस वी टेक द क्रेडिट, अपनी पार्टी टेक्स द क्रेडिट फॉर दिस दैट हमने सियासत वापस शुरू की। यहाँ डेमोक्रेसी की रूह होती है पॉलिटिक्स, जिस पॉलिटिक्स को 5 अगस्त 2019 को खैराबाद किया गया था, जिसने भी किया था, हम नहीं कहते हैं क्या हुआ था, लेकिन हम लोग सामने आए, हमने कहा नहीं वापस वी हैव टू गो अहेड। वो कोई फैसला हमारे लिए कोई खुशी का फैसला नहीं था 5 अगस्त 2019 वाला। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला आएगा जो दिलों की धड़कन यहाँ चाहती है, लेकिन फिर भी हमने कहा आगे तो चलना है ना। हम इंतज़ार में हैं वज़ीर आज़म साहब कि वो दिन कब आएगा जब आप हमारी रियासत को अपनी दर्जा वापस दे देंगे। रही बात वज़ीर आज़म साहब, आपको बहुत कुछ कहा जाता है वहाँ कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2-2.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है। खुदा रहा आप एक वो टीम भेजिए जो खाली हरे लाल और पीले रंग ना कंप्यूटर की प्रेजेंटेशनों में भरे, जो प्रैक्टिकली देखिए क्या कुछ हुआ है। हमें तो नहीं लगता है किसी भी खित्ते में, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो, कहीं दूध की नहरें बह रही हैं। डेवलपमेंट तो बिल्कुल मफलूज होके रह गई है, एडमिनिस्ट्रेशन मफलूज होके रह गई है। तरह तरह की मुश्किलात हैं। नेशनल हाईवे जो शाहराग है, शाहराग खाली कश्मीर और जम्मू को मिलाने की वजह से नहीं है, शाहराग तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। हम रोज सुनते हैं शाम को नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, क्या बात करते हैं। शाहराग जो उस नेशनल सिक्योरिटी की है, वो जम्मू कश्मीर हाईवे है। इस हाईवे को अगर आप खुला नहीं रख सकते, पहले ये होता था महीने में एक दिन बंद होती थी, अब तो महीने में एक दिन खुलती है। क्या ये CBI के कमीशन्स और ये जो दूसरे कमीशन्स लगते हैं, ये खाली उन पे लगते हैं कि साहब जो पटवारी है, ये उन इंजीनियरों पे क्यों नहीं लगता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर इस नई हाईवे जो 4 लेन अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब था, उनकी उसकी प्लानिंग गलत की, ऐसे प्लानिंग की कि पहाड़ी गिर रहे हैं। उन ठेकेदारों पे क्यों नहीं लग रही है जिन्होंने अपना बिल बढ़ाने के लिए पहाड़ों को काटा ताकि मिट्टी काटने की बिलें बड़ी निकलें। दे शुड बी बुक्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बिकॉज ये नेशनल नेशन की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, जैसे इस हाईवे को किया गया है। बाकी बर्फ हर साल गिरती है, प्रिपेयर्डनेस हमें लगता है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन मफलूज होके रह गई है। अखबार के पन्नों में रोज एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं, खाली एडवर्टीजमेंट्स तक सरकार रह गई है, प्रैक्टिकली तो हम नहीं देख रहे हैं कहीं पे कुछ हो रहा है। कोविड ठीक है, हर चीज का जवाब कोविड नहीं हो सकता है। अगर हर चीज का जवाब कोविड है तो फिर बताइए आगे कैसे चले। आगे चलने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये तो लोगों ने, मैं हिंदुस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने खुद ही से शुरू किया टूरिज्म, वो वापस लौटे। जब तक ना वापस इस मुल्क के वासी जम्मू कश्मीर में आए, तब तक कौन सी रीअश्योरेंस है जम्मू कश्मीर वासियों को कि हम इस विशाल देश का हिस्सा है। कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लगता, अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता तो 25,000 रुपया एयर टिकट नहीं होती। जम्मू से श्रीनगर जाना है 12,000 रुपये की टिकट है, 15,000 रुपये की टिकट है। सरकार कहाँ है? सरकार तो हमें कहीं नहीं दिखती है। वो फ्री राशन, हमारे लोग तो
दोनों खितों में तरस रहे हैं, फ्री राशन नहीं मिल रहा है, रूरल डेवलपमेंट महकमे में जो पंचायती निज़ाम अप्लाई करने जा रहे हैं क्या वो अफसर तैयार हैं जिनको इन डीडीसी उनके साथ काम करना है? क्या वो बीडीसीयों के साथ उन्होंने काम किया? क्या सरपंचों के साथ उन्होंने काम किया? नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप सरपंचों से पूछिए क्या उनका सेक्रेटरी जो वीएलडब्ल्यू है क्या वो उनको उनके साथ कॉपरेट कर रहा है? आप बीडीसी से पूछिए जो बीडीओ उनका सेक्रेटरी है क्या वो उनके साथ कॉपरेट कर रहा है? तो कैसे ये पंचायती निज़ाम कामयाब होगा? इसलिए हम उम्मीद रखते हैं इस डीडीसी चुनाव में जिस बारी अक्सरियत से लोगों ने हिस्सा लिया, इसके बाद अब जल्दी चुनाव असेंबली के किए जाएंगे, डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती रहेगी, 7 सीटें हैं, वैसे भी हम 2 नॉमिनेट करते थे, इस बार एक बार हमने इतना कुछ बदला दिया है, एक बार 7 सीटें नॉमिनेट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इलेक्शन तो हो जाए, कोई एक अवामी सरकार आएगी, जिम्मेवार सरकार आएगी, आवाम को जो आंसरेबल है सरकार आएगी। आप तो सिक्योरिटी सिनेरियो भी हम सब कहते हैं और हमने देखा भी है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप देखेंगे मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स या इस इलेक्शन की ही बात करें तो मुबारकबाद ही है सिक्योरिटी एपरेट्स को, फर्स्ट क्लास इलेक्शन हुए, पुरामन इलेक्शन हुए, हमारे बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं, मुझे ऑनेस्टली बोलते बोलते शर्म आती है लेकिन बात तो सच है। क्या डर रहे हो इन बच्चों के 4G से डर रहे हो? इन बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हो और कहते हो कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं? वजीर अजम साहब, खुदा रहा, आप तो बहुत जरूरत वाले हो, आप तो शेर की छाती रखने वाले हो। इन बच्चों को ज़रा एक बार 4G देके देखिए, ये कल का मुस्तकबिल है, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अब तो हमें भी ऑनेस्टली आपके साथ ये शेयर करते हुए शर्म आती है, क्या कहें, कितनी बार कहें, ऐसे लगता है कि ये जैसे चांद से भी ऊपर कोई चीज आ गई है 4G। क्यों हमारे लोगों को तरसाया जा रहा है, हमारे बच्चों को क्यों तंग किया जा रहा है? हमें भी तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। हम जब बात आपसे कभी करते हैं तो आप कहते हैं बुखारी साहब उसका क्या हुआ, वो वादा तो हो गया था। अब क्या बताएं हम, ये छोटी सी चीज़ के लिए तरसा रहे हैं हमें, इन हमारे बच्चों को क्या हम प्रिपेयर करेंगे? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही है, एक सरकार ने जैसे फैसला लिया है कि हमारे नौजवानों को तंग करें। पहले IAS में हमें 5 साल जो सर्विसेज होती थी, सेंट्रल सर्विसेज जितनी थी, हमारे साल 5 साल का हमें मिलता था एक्सटेंशन, कि अगर बाकी मुल्क में 35 साल है तो हमें 40 साल तक होता था। पहले तो जो हमारे और जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं वो वहाँ जो ये काट रहे हैं, पहले वो काटा गया, अब रियासत में भी कटवाया, यहाँ KSO जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे 37 साल की एज होती थी, अब आज नया हुक्मनामा 32 साल की। क्या ये क्यों फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं यूथ को? यहाँ तो यूथ इन्वॉल्वमेंट की बात एक तरफ से होम मिनिस्टर साहब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी रियासत के लिए अलग ही चीज़। जो अच्छी बातें हुई है, इंडस्ट्रियल पैकेज आया बहुत अच्छा आया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, नई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा आया, लेकिन जो पुराने पहले आए हैं उनको क्यों सजा दे रहे हो? उनको भी कवर करो, उनको भी तो चलना है ना। एक साइड से अगर कोई 2 साल पहले खुद ही आया है और इस पैकेज में कोई आएगा, सो इट शुड बी कवर्ड, द ओल्ड वन शुड ऑल्सो बी कवर्ड, दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू अ रफ पैच। दुनिया में तो कोविड अब आ गया है इस साल मार्च से, हमें तो कोविड 2016 से ही मुझे लगता है चल रहा है। काफी सारे नौजवान अभी बंद है, उनको रहा किया जाए? अब तो नॉर्मलसी का वक्त है, अब तो रिकंसिलेशन का वक्त है। मैं उम्मीद है कि जो नौजवान राह से भटक गए थे वो भी वापस लौट रहे हैं, उनके लिए भी कोई रिहैबिलिटेशन देखी जाए।
और जो हमारे ये नौजवान घरों में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए, उनके लिए भी कुछ देखा जाए। इंडस्ट्रियल पैकेज बिल्कुल साहब, बिल्कुल एक रास्ता है, लेकिन क्या 3 साल 4 साल और ये इंतज़ार करें? उनके लिए तब तक कुछ अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन दीजिए। वी आर वन ऑफ द, अगर हमें डेवलप्ड करार नहीं दिया गया, वी आर अ डेवलप्ड कंट्री, हम तो दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए वैक्सीन्स में द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स अस, इवन इन कोविड मैनेजमेंट। अगर हम अल्लाह ताला के दिए हुए अजाब पे, वज़ीर आज़म साहब आप बखूबी कंट्रोल पाते हैं, बखूबी एक स्कीम से उसका आगे तक, जिस तरह आप इस मुल्क में आपने किया, जो डेवलप्ड दुनिया कहती है आपने आपको, उन्होंने तो इस पे कंट्रोल इस तरह से नहीं किया। तो इसी तरह से ये नौजवान, कितने 6 लाख 7 लाख नौजवान हैं, क्या होगा अगर आप इनको 10-10 हज़ार रुपये का एक पेंशन दे देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, कितनी इस मुल्क को क्या फ़र्क पड़ेगी? यहाँ तो एक जहाज़ जो हम खरीदते हैं या S-400 मिसाइल खरीदते हैं, मुझे लगता है उसके आधे में तो हमारे 6 साल ये बच्चे सब आबाद हो जाएंगे। कम अज़ कम वी टेक देम टू समथिंग पॉजिटिव विथ ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच। आई टेक द क्वेश्चन।